नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। इस्लाम के नाम पर टोपी उछालने वाले मौलानाओं को आज उनके गिरेबान को दिखाया जाएगा। गैर मुसलमानों को काफिर बताकर अपने लोगों को उनके खिलाफ जिहाद के लिए उकसाने वाले मौलानाओं को एक मुस्लिम युवक ने उन्हीं के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। ये नहीं पूछेगा कि यह मुसलमान किस देश का है, यह दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है, मगर इसका मजहब इस्लाम है और इसी इस्लाम में यह एक ऐसे अछूत की तरह जी रहा है जहां इसको अपनी जिंदगी मौत से बदतर नजर आती है। इसने जिन्ना की किताबें पढ़कर ऊंचे ख्वाब देखे थे, पर जिन्ना खुद ही अंधेरे में मर गया। ऐसे में उसके विचारों से प्रकाश की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, पर आज इस्लाम में पैदाइश इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। आप लगाते हो फिर झाड़ू? जो बाकी बच्चे होते हैं उनसे झाड़ू नहीं लगवाते, क्यों? वहाँ पर बोलते आप शेख हो, आपका माँ बाप यही काम करता है। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, आपको पता है शेख क्या होता है? नहीं पता है। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। ये सातवीं की बुक है मेरे पास अभी भी। जब मैं ये बुक इसकी तरफ में नजर डालता हूँ तो बस दिल में वही इंजीनियर के वो ख्वाब याद आ जाते हैं। शौक था मेरे को इंजीनियर बनने का, लेकिन वो वाला इंजीनियर नहीं, इस नाम से मुझे जाना जाता है, इंजीनियर जड़। तो मेरे को पढ़ने का शौक था तो जाते थे स्कूल में। वहाँ पर हमारी टीचरें बोलती थी कि बेटा आप शेख कास्ट से हो तो आप झाड़ू पोछा लगाओ। हम निकल स्कूल अंदर से आते थे बाहर, पहले ग्राउंड की सफाई करते थे, फिर हम बोलती थी, कोई दूसरी मैडम आ जाती थी कि इश्तियाक ये लेटरिंग है इनको थोड़ा सा सफाई करो, फिर हम जाते थे। मैडम का मानना था हमें उस टाइम, तो बहुत सारे क्लास में लड़के हमारा तमाशा देख रहे थे, फिर वो हम पे हंसते भी रहते थे। अब बेचारे कर रहे हैं सर, मजदूरी कर रहे हैं। एक को ये इसका शौक था, ये एरोप्लेन पायलट का उसको शौक था बेचारे को। तो वो एक दिन रोने लगा, बोल रहा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है कि हमारी मैडम जो है ना हमारे पर वो तवज्जो पूरा नहीं दे पाते हैं, और बोल रहे इनको बदबू आती है, गंदे। हम तो मुसलमान हैं सर, कलमा एक ही है, किस नज़र से हमें ये देखा जाता है? कली 100। तो ये जो पीछे ये मेरा स्कूल था पहले, मैं यहाँ भी यहाँ पढ़ता था मैं सर, तो यहीं की टीचरें हमें और सर बोल रहे थे ये पूरा ग्राउंड क्लियर करके साफ करो तुम लोग। इकवटे इशफाक सब तो बह पारा इकवटे सुकूल वन गो पन कह मगर तथा मैडम वन तुम तुलो झाड़ू तुलो तुम गु बाथरूम कर तुम्हें मोल मोज तरह ये तुम तर दिवान तवजो पर्न कह बहुत गाँव इशफाक सब क्या कारखान खोलमुत दपा पड़ा पत खोल इशफाक सबन खोल पत कारखान झाड़ू वाड़ू बना वो दिवान ये कम कर सन बचन सच गन कर झाड़ू कम तुम गर्न मगर तुम
ماسٹر کڑا اگر سن بچہ گھن پہ تمہن وان تمہن تمہن تہ ونان یت اہ ستم سکولس مز تلمت تتھے کن تلن تم تہ پکان لوگ آتے ان کو بولتے کہ بھائی اندر چلو کھائیں گے کچھ کھانا کھائیں گے یا چائے پیئیں گے بس ان کو یہ نفرت ہے آتے ہیں جھاڑو یہاں سے آتے جھاڑو لے کر تو نکل جاتے ہیں کھاتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں ہم بھی تو ایک یہ ہم بھی مسلمان ہیں کیوں نہیں کھاتے مطلب مسئلہ کیا ہے ہمیں کیا ہم انسان نہیں ہیں پاگل میں ہو جاؤں گا اس کو میرے ساتھ بھی بہت بار ہو جب مجھے وہ پرانے شاٹ یاد آتے ہیں نا کیا میں بولوں دل کرتا ہے کہ میں اپنا کیا خودکشی کر لوں